थेल्स थ्योरम, थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट, पाइथागोरस थ्योरम। यारो मेरे प्यारो, ना हो हैरान ना हो परेशान, क्योंकि लेकर आ गया हूं इन तीनों प्रॉब्लम का भी आज समाधान। तो आज इस वीडियो में इन तीन ही थ्योरम्स का सॉल्यूशन करेंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और टेंजेंट वाली थ्योरम। तो ये तीनों थ्योरम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम होता है हमारे पास बीपीटी थ्योरम। क्या नाम होता है? बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दो नाम से जानी जाती है हमारी ये थ्योरम और हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। या क्वेश्चंस के रूप में हमारे पास बनाएगा, इफ ए लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। ये हमारे पास स्टेटमेंट मिलेगी आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, और ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि थेल्स थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम में से एक आती है। और जो टेंजेंट वाली थ्योरम हम बीच में इसके बाद जो थ्योरम करेंगे वो तो हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना, चाहे कितने साल पुराने हमारे देख लेना। जब मैं पढ़ता था तब भी हमारे पास वो टेंजेंट वाली थ्योरम आती थी और मेरे पेपर में ये पाइथागोरस थ्योरम आई थी। तो पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम इनमें से एक थ्योरम आपको एग्जाम में मिलेगी बिल्कुल कन्फर्म, और वो टेंजेंट वाली थ्योरम तो हर कोड में मिलती है, चाहे आपका कोड ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या कुछ भी हो। तो शुरू करते हैं हमारी पहली थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम का प्रूफ। तो हमारे पास देखो इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं सबसे पहले। क्या कह रहा है देखो, इफ ए लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक लाइन है ना, पैरेलल लाइन है थर्ड साइड के, और वो दो पॉइंट डिस्टिंक्ट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। किस तरह? कि हमने देखो हमारे पास एक ट्रायंगल मान ली, ये हमने एक ट्रायंगल मान ली, देखो ये हमारे पास, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब ये क्या कह रहा है देखो, ए लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रोन करिए, कोई सी भी साइड, इसके मान लो, इसके मान लो, कोई सी मान लो। तो हमने मान लिया इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रोन की, ये लाइन ड्रोन कर दी हमने पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन ड्रोन कर दी, इसका नाम दे दिया हमने डी और ई। एक लाइन ड्रोन की पैरेलल टू वन साइड। अब ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इस लाइन के अलग जो हमारी दो साइड होंगी उनको दो पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है, हमने करा दिया। देन अदर टू साइड, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन थ्रू द सेम रेशो। ये चीज हमें प्रूव करनी होगी कि जो अदर दो साइड है ना वो सेम रेशो में काटेगी ये जो हमारी लाइन ड्रोन की है ये। तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस थ्योरम का देखो प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमारे पास गिवन चीजें लिखते हैं हम, जो मैं आपको सिखाऊं वो क्या, वो एग्जाम में आप करके आ जाना, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। तो जैसे हमारे पास क्या कह रहा है, ये जो सबसे पहले हम थ्योरम में लिखते हैं गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या है, देखो गिवन तो हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल। हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है किसके, हमारे पास बी सी, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन का ड्रो, पैरेलल लाइन का जिक्र किया था ना इसने कि डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो ये हमारे पास क्या थी, गिवन थी चीज। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात हमें प्रूव क्या करना है वो देखो। तो प्रूव हमें क्या करना है अब वो देखते हैं। तो प्रूव के लिए हमें देखो इसने क्या कही थी, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशो। ये कह रहा है कि जो अलग दो साइड होंगी ना वो सेम रेशो में डिवाइड होंगी, ये चीज हमें प्रूव करनी होगी। तो देखो सेम रेशो का मतलब है एक ये बटे ये, ये बटे ये, कहने का मतलब ए डी अपोन डी बी इज इक्वल टू होगा हमारे पास किसके, ए अपोन इसी के। ये चीज हमें प्रूव करनी होगी कि सेम रेशो में तोड़ेगी, कहने का मतलब इसके बटे हम ये करें, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या होगा, सेम होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, अब कहा चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ से पहले हमें क्या करना होगा, चलो प्रूफ देख लेते हैं, इसका जो प्रूफ हमें एग्जाम में करना होगा वो देखो। तो प्रूफ करने से पहले हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हम ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम दे दिया हमारे पास ई हो गया, इसका नाम दे दिया एफ, और एक डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे ये, और इसका नाम दे दिया हमने जी। क्लियर है, इसका नाम क्या दे दिया, जी। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, देखो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो।
एक कंस्ट्रक्शन की, वो कंस्ट्रक्शन क्या थी हमारे पास, वो थी ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, पूरी की पूरी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये ए डी के अपॉन बी, ए बी के ऊपर बी, डी बी के ऊपर, हर एक पूरी की पूरी लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल दिया। और दूसरा ड्रा डी जी, हमने डी जी परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, क्लियर है। ये हमने क्या कर दिया इसमें, कंस्ट्रक्शन कर दिया, कर दिया। एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन बी टू ई, बी टू ई हमने बी को ई से ज्वाइन कर दिया, देखो ये, और ज्वाइन डी टू सी, डी को सी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन डी टू सी, डी को सी से ज्वाइन कर दिया। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, ये तो हमने क्या कर दिया इसका कंस्ट्रक्शन, इतना काम तो आपका चलेगा सिर्फ जो हमारे पास फिगर दे रखी है उसका। अब मेन जो काम होगा वो प्रूफ, देखो अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में क्या करना होगा, देखो हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने किस तरह, ये कंस्ट्रक्शन क्यों की है, ताकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर इसलिए डाला है ताकि आप सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मिल जाएगा लेकिन हाइट के लिए हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने ये क्या किया है, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा किया है। तो पहले हम एरिया निकालते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, देखो जो ये मैं चार आपको चार एरिया बताऊंगा वो चार एरिया आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से। देखो पहला ए डी ई, ए डी ई सॉरी इसका ए डी ई का हम एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ए डी ई में हमारे पास बेस क्या होगा, बेस ए डी होगा, क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है वो हमारा बेस होता है। तो इसमें हो गया बेस, तो हो गया ए डी, इंटू हाइट क्या होगी इसकी जो हमने ड्राई की है ई एफ, हाइट क्या हो जाएगी ई एफ, बात समझ में आई, ए डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, एरिया ऑफ ए डी। अब एक दूसरी ट्रेंगल, हम वो ट्रेंगल लेंगे जिसमें हमारे पास ये हाइट है ना ई एफ, ये सेम होगी। तो ये ई एफ हाइट किसमें सेम है, देखो अगर हम एरिया निकाल ले डी बी ई का, किसका एरिया निकाले, ट्रेंगल डी बी ई। तो अब लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, डी बी का एरिया लेंगे तो देखो क्या होगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस देखो क्या होगा डी बी में, डी बी ई इसमें बेस क्या है हमारे पास डी बी, बेस तो हो गया डी बी इंटू हाइट, हाइट क्या होगी वही, इस पूरी लाइन पे सेम हाइट थी ई एफ, तो इसकी हाइट हो गई ई एफ। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर दो, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर दो। अब चलते हैं तीसरी ट्रायंगल की तरफ। देखो ये ऐसा काम क्यों कर रहा हूं मैं, आप सबको पता है हमें चाहिए था AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB और EF EF और हाफ और हाफ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे रेशियो निकालेंगे तो ये सारी चीजें कट जाएंगे, क्या बचेगा AD अपॉन DB बच जाएगा, इसलिए कर रहे थे। अब दूसरी चीज आते हैं AE अपॉन EC चाहिए, तो अब उस साइड चलेंगे। तो देखो AE किस में होगा, अब ए हमारे पास देखो एक ट्रेंगल दोबारा से ए डी ई में भी तो हमारे पास यही है ना, तो एक बार फिर दोबारा यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, लेकिन अब की बार जो ये ए डी ई होगा ना इसमें बेस और हाइट हम चेंज करेंगे, देखो यहां भी ए डी ई था लेकिन अब की बार बेस और हाइट चेंज करेंगे, क्या होगा इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या लेंगे अब की बार ए इंटू हाइट, क्या होगा इसमें हाइट होगी अब की बार डी जी, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी हाइट है डी जी, तो ये हो गया डी जी। दूसरी ट्रेंगल क्या लेंगे जिसमें हाइट सेम हो डी जी, अब की बार क्या ले लेते हैं ई सी डी या डी सी ई ले लेते हैं, तो दूसरी हमने ले ली, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री, दे दिया। दूसरा एरिया निकालेंगे फोर्थ, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी सी ई, डी सी ई, तो इसमें क्या होगा देखो हाफ बेस क्या होगा इसमें सी ई होगा, क्योंकि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर वो बेस होता है, तो सी ई या ई सी नाम दे देते हैं, इनटू हाइट क्या होगा सेम डी जी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फोर, क्लियर है। अब ये जो चार इक्वेशन मैंने निकाली है ना, ये किस तरह निकाली है, ये इस प्रूफ को देखते हुए निकाली है कि जो हमें प्रूफ करना होगा ना वो चीजें ले ली, क्यों, क्योंकि हमें ए डी अपॉन डी बी चाहिए थी। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर लेते हैं देखो, डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड किया, तो देखो इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए डी अपॉन डी बी, तो ये आ गया हमारे पास ए डी अपॉन डी बी। क्या किया है मैंने, एरिया ऑफ
ए डी ई डिवाइड किया है किससे, एरिया ऑफ डी बी ई से, यही काम किया है। तो ये डिवाइड किया तो हमारे पास ये चीज निकल कर आई, आई या नहीं, एरिया ऑफ ए डी को डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ डी बी से, तो काम बन गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से, इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ये भी क्या है ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल डी सी ई। जब इसको डिवाइड किया हमारे पास तो क्या बचा, देखो इसको इससे करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, क्या बचा ए अपोन ई सी, ए अपोन ई सी, यही बचा हमारे पास। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होगा, ये भी हमारे पास ए डी ई और ये भी हमारे पास ए डी ई, चाहे नीचे कुछ भी हो ऊपर हमारे पास सेम ट्रेंगल मिल रही है ना, तो सेम ट्रेंगल मिल रही है तो इनका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई हमारे पास सेम, क्योंकि रेशो की प्रॉपर्टी यही होती है कि ऊपर अगर सेम है तो नीचे क्योंकि कैंसिल करके हमारे पास सेम रेशो मिलता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हमारी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 क्या होंगी, दोनों इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, तो रख दिया इक्वल क्या कि ए डी अपॉन डी बी, ये हमारी क्या थी इसकी, और इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, और यही चीज क्या थी, वो थी जो हमें प्रूफ करनी थी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। बात समझ में आई, ये हमारी थेल्स थ्योरम जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है। तो क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस चार हमने, ये तो कंस्ट्रक्शन वगैरह ये तो इसी में से निकाली हमने, क्या कर ली चार ट्रायंगल ली है, एक तो ए डी ई दो बार यूज की, एक बार तो इस साइड का बेस और हाइट लेकर, एक बार इस साइड का बेस और हाइट लेकर, और एक बार नीचे वाली ये ले ली, एक बार नीचे वाली ये ले ली। क्यों ली है, क्योंकि हमें इस डी बी और इसी की जरूरत थी जो हमें प्रूव करना था उसमें। बात समझ में आई, तो ये थी हमारी पहली थ्योरम जिसका नाम दिया थेल्स थ्योरम, या दूसरा नाम बीपीटी थ्योरम। अब चलते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टेंथ क्लास की थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम की तरफ, की वो हमारे पास जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है वो क्या होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, तो आगे हम उस थ्योरम की तरफ जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे आपका कोड कुछ भी हो, चारों कोडों में से हर कोड में आपके पास ये थ्योरम ये क्वेश्चन मिलेगा। तो उस थ्योरम जो हमारी थ्योरम 10.2 है सर्कल चैप्टर की टेंजेंट से रिलेटेड, उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, वो देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल पर किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट डालेंगे ना, तो उन दोनों टेंजेंट चाहे दो डालो या तीन डालो, उन सारी की सारी टेंजेंट्स की हमारी क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी। जैसे हमारे पास क्या है, इसकी फिगर है कि हमारे पास मान लिया ये सर्कल है, अगर हम बाहर से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, ये इसको नाम दे दिया पी, अगर इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये डाल दे और एक टेंजेंट डाल दे ये, इन दोनों टेंजेंट का इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, ये कह रहा है कि ये दोनों जो टेंजेंट होगी ना पी ए और पी बी, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, यानी पी ए इज इक्वल टू होगा हमारे पास पी बी, ये चीज हमें प्रूव करनी होगी। तो मान लिया देखो हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो ये ओ ए क्या होगा, इसकी रेडियस होगी, सीधी सी बात है, ये भी ओ बी भी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ठीक है। इब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, तो देखो प्रूफ से पहले क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। सबसे पहले तो गिवन होती है हमारे पास, जो हम पिछली थ्योरम में भी आपको बता कर आए थे, तो गिवन क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका टेंजेंट वो सेंटर ओ है, और पी ए पी बी हमारे पास टेंजेंट है, गिवन तो यही चीज है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है जो हमें प्रूव करनी है, तो प्रूव क्या करनी होगी, देखो प्रूव हमारे पास ये होगा कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दो चीज हमें भी इक्वल प्रूव करनी होगी कि पी ए की लेंथ और पी बी की लेंथ हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी, यही चीज प्रूव करनी है। तो प्रूफ से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पिछली थ्योरम की तरह, ये कंस्ट्रक्शन ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये है कि हमने ज्वाइन कर दिया किसको, पी टू ओर को, पी टू ओ, पी को ओ से ज्वाइन कर दिया, बस ये काम करना है आपको, पी को ओ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो इसका प्रूफ,
तो प्रूफ क्या करना है कि पी ए को इक्वल टू पी बी के प्रूव करना है। तो देखो पिछली थ्योरम की तरह हमारे पास ये तो है नहीं कि हमारे पास कुछ एरिया का फंडा होगा कि हम एरिया इक्वल टू रेशो बनाकर सोल्व कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया का कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें हम परपेंडिकुलर वगैरह सोल्व कर दे, नहीं है ना। लेकिन हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इस थ्योरम, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कोंग्रेंट प्रूव कर दे, कोंग्रेंट प्रूव कर दे, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सिंप्लिसिटी की, होती है ना, कि कोंग्रेंट कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमारे पास ये कोरस्पोंडिंग पार्ट होगा इसका, ये इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगलों को कोंग्रेंट प्रूव करेंगे, बस सीधा सा रिजल्ट ये होगा इस थ्योरम का। यानी दो ट्रायंगल यूज किया हमने, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, दो ट्रायंगल ले ली पी ओ ए और पी ओ बी, इसको हम कोंग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास, आप सबको एक थ्योरम थी हमारे पास 10.1, वो हमारे पास एग्जाम में नहीं आती कभी, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट होती है वो काम आती है। वो स्टेटमेंट क्या थी कि किसी भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट। तो हमारे पास क्या हो गया, पहली चीज तो ये कि ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है किसकी, सेम सर्कल की, तो दोनों इक्वल होंगी क्या, ओ ए और ओ बी, क्योंकि ओ ए इस ट्रायंगल में है और ओ बी इस ट्रायंगल में है, क्लियर है। दूसरा क्या है कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू हमारे पास पी बी ओ के, क्यों है, क्योंकि इज 90 डिग्री दोनों किसका है, 90 डिग्री का है हमारे पास, क्लियर है। और तीसरी साइड है हमारे पास जो ज्वाइन की थी, क्या थी, कि पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, क्यों, दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में हमारे पास कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल पी ओ ए कोंग्रेंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल पी ओ बी के, कर दिया कोंग्रेंट। अब कोंग्रेंट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी सिंप्लिसिटी वाली, तो उस प्रॉपर्टी से पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज सिंप्लिसिटी, क्यों, क्योंकि हमारे पास पी ए क्या था, इस ट्रायंगल का भाग था, और पी बी क्या था, इस ट्रायंगल का पार्ट था, तो दोनों पार्ट किसी कोंग्रेंट ट्रायंगल के बराबर होते हैं, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये वो थ्योरम है, छोटी सी, बिल्कुल इजी, चार नंबर में आएगी और चार नंबर आपको दिलाकर जाएगी, हर बार एग्जाम में आएगी, एक भी पेपर उठा लेना चाहे कितने भी साल पुराना, हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट हम डालेंगे उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, बराबर बराबर होगी। ये थी हमारी सेकेंड थ्योरम। अब चलते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट थ्योरम इस वीडियो की, जिसका नाम है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। आ गए हमारे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो पाइथागोरस थ्योरम को सीखने से पहले देखो दो तीन चीजें हैं वो सीखनी होंगी। पहली चीज तो ये आती है पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, जो आपकी एग्जाम में आएगी, वो कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड मतलब जो ये वन साइड का जिक्र किया है, हाइपोटेन्यूज होती है हमारे पास, और अदर टू साइड एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिस जो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जो हमारे पास, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो ये है हमारे पास क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम का प्रूफ आपको करना होगा। तो देखो इस थ्योरम का प्रूफ क्या है, हमारे पास एक हमने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, तो वही थ्योरम मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ जोड़ने जा रहा हूँ। तो वो थ्योरम मतलब वो वीडियो और ये वीडियो दोनों इकट्ठी हो जाएंगे, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, तीनों की तीनों थ्योरम आपके पास हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम उस वीडियो को जोड़ने जा रहे हैं, तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जो सिक्स चैप्टर होता है हमारा 10th क्लास का, उसकी 6.5 एक्सरसाइज में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आती है, जो हर बार एग्जाम में आती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, कि जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। उन्होंने क्या कहा था, कि जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है ए बी, और बी को मान लेते हैं ए बी, और तो उसने क्या कहा था, कि जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी जो एसी का स्क्वायर होगा, इस सबसे लंबी साइड का स्क्वायर उन दो साइड ऑफ ए स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी बीसी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर।
मतलब ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर बराबर होता है बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वेयर के। तो यही थ्योरम हम पढ़ते तो इसे सिक्स क्लास से आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ हमें अब टेंथ क्लास में देना होगा जो हमारे पास एग्जाम में आता ही आता है। तो सीखते हैं कि इसका प्रूफ हमें कैसे देना होगा। तो इसके प्रूफ के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें एक परपेंडिकुलर घेरेंगे बी से लेकर डी तक, और किसके ऊपर होगा वो एसी के ऊपर। यानी हमने एक कंस्ट्रक्शन की इसकी थ्योरम के लिए प्रूव करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन क्या थी कि जो एडी के राम में वो परपेंडिकुलर है किसके एसी साइड की, बीडी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बी पॉइंट से लेकर डी तक एक परपेंडिकुलर घेरा जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है हमारा एसी साइड की। क्लियर सी बात है। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो इसका प्रूफ क्या करना होगा हमें, देखो अब चलते हैं किसकी तरफ, इसके प्रूफ की तरफ। देखो तो इसका प्रूफ करते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इस छोटी ट्रायंगल को इस सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे है? हमने ट्रायंगल ली ए डी बी और दूसरी ट्रायंगल ली हमने ए बी सी, यानी ए डी बी ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले। क्लियर है। अब इसको सिमिलर प्रूव करेंगे कैसे, कि हमारा जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी वो किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये बी एंगल है ए बी सी वो भी 90 डिग्री के, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल ए के। क्यों? क्योंकि दोनों जो हमारी ट्रायंगल है उनमें ये एंगल कॉमन मिल रहा है हमें। एंगल ए बी सी में भी एंगल ए है और एंगल ए डी बी ट्रायंगल में भी हमारे पास एंगल ए है। तो एंगल एंगल जो प्रॉपर्टीज है हमारी, जो ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी सिमिलर हो गई। क्लियर सी बात है। दोनों हमने क्या कर दिया, एंगल एंगल प्रॉपर्टी के जरिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। और हमने जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें यह सीखा था कि जब दो ट्रायंगल हमारी सिमिलर होती हैं तो उनके जो कोरस्पोंडिंग साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? जैसे हमारे पास इसकी साइड ले ली AD डिवाइडेड बाई छोटी वाली ट्रायंगल की AD और बड़ी वाली ट्रायंगल की ले ली हमने AB। क्लियर है। इज इक्वल टू बड़ी वाली ट्रायंगल की हमने AB ले ली डिवाइडेड बाई छोटी वाली ट्रायंगल की हमने क्या ले ली। अब की बार देखो ये हमने AD छोटी वाली की ले ली, AB बड़ी वाली की ले ली, और अब छोटी वाली की हमने ए बी ले ली और बड़ी वाली की हमने ले ली ए। क्लियर सी बात है। तो ये कोरस्पोंडिंग जो साइड होती है वो दो सिमिलर ट्रायंगलों की इक्वल होती है। इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लें। क्लियर सी बात है। बस यही काम करना था इस छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल। अब लेते हैं एक बार ये इस साइड वाली छोटी ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल, जैसे यहां लिख लेते हैं। अब ले ली हमने ट्रायंगल बी डी सी और दूसरी ट्रायंगल वाई बड़ी वाली ए बी सी। इसमें क्या होगा कि जो एंगल बी डी सी होगा ये भी 90 डिग्री का है, एंगल बी डी सी वो किसके इक्वल होगा हमारा एंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है 90 डिग्री के एंगल है दोनों, और इसमें हमारा जो एंगल सी है वो एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? कॉमन होगा दोनों। जो हमारी ए बी सी ट्रायंगल है उसमें भी सी एंगल आता है और बी डी सी में भी सी आता है, तो ये भी हमारी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। अब इसकी भी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसकी देखो साइड हमने BC ले ली छोटी वाली डिवाइडेड बाई बड़ी वाली ट्रायंगल की हमने BC ले ली। क्लियर सी बात है। अब छोटी वाली ट्रायंगल की क्या ली हमने, छोटी वाली ट्रायंगल की हमने BC ले ली, ये छोटी वाली ट्रायंगल में भी आती है BC, BC ले ली डिवाइडेड बाई बड़ी वाली ट्रायंगल की हमने AC ले ली फिर। क्लियर। ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी बाई द प्रॉपर्टी की दो सिमिलर जो ट्रायंगल होती है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दो मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर दो। अब इन दोनों इक्वेशनों को एक बार ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। यहां लिख लेता हूं आपको संदर्भ दिखे जाए तो यहां कर लेते हैं। चलो इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, दोनों इक्वेशन रख लेते हैं, एक ये और एक आई का आशय, ये आपको पता चल चुका होगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को एक बार ऐड करते हैं, या हम क्या कर लेते हैं इनको पहले सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। देखो एसी को डीसी से मल्टीप्लाई किया तो एसी डॉट डीसी आ गया इज इक्वल टू बीसी को बीसी से मल्टीप्लाई करेंगे बीसी। क्लियर सी बात है। बीसी इंटू बीसी बीसी स्क्वायर और डीसी डॉट एसी, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एसी डॉट एडी हो जाएगा और बराबर में एबी को एबी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एबी। अब इन दोनों को ऐड करना आसान हो जाएगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड ऐड करते हैं। देखो एसी डॉट एडी प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है एसी डॉट डीसी, एसी डॉट डीसी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड यानी ए बी स्क्वायर प्लस
कर दिया एड इन को हमने, दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया एड। अब देखो दोनों में एसी कॉमन है, हम एसी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा ए डी बचा प्लस, यहाँ क्या बचा हमारे पास डी सी बचा ना, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार देखना, चेक करना, ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, पूरा ए सी नहीं बना, तो ए डी प्लस डी सी की जगह हम ए सी पुट कर देते हैं, तो ए सी इंटू इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया ए सी, इज इक्वल टू क्या आया ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी डॉट ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसकी तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करें इसके कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी इसके कन्वर्स की, तो कन्वर्स क्या होता है इसका उल्टा, उल्टा मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कन्वर्स आ जाएगी। और तो आपका होमवर्क ये होगा कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम करा दी है तो इसका कन्वर्स क्या होता है, एक आध बार एग्जाम में आता है एक आध बार नहीं आता, तो उसका कन्वर्स आप करके देख लेना, अगर सोल्व ना होता हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, जो अगली वीडियो होगी उसमें हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कर लेंगे।